हाँ तो यार दो सुपर हीरोज बैठे हैं, क्रिश एंड जीवन फ्रॉम रावण। तो यार सुपर हीरोज बात क्या करते होंगे व्हेन दे मीट अप लाइक नॉर्मली लाइक? हम लोग बात करते हैं अबाउट द डैम्सल्स इन डिस्ट्रेस, वी डिस्कस। जितनी भी लड़की परेशानी में होती हैं हम उनको बचाने के लिए हर वक्त हर जगह पर। क्या बात है ऋतिक, शाहरुख, शाहरुख ऋतिक, प्लीज कम हियर, कम एंड डू दिस कन्वर्सेशन। बातचीत सुपर हीरोज के बीच में कैसे होती है, वील फाइंड आउट ऑन जस्ट डांस द ग्रैंड फिनाले। हम आपको बताना चाहते हैं कि सुपर हीरो जो हैं बिल्कुल आपके जैसे होते हैं, एक्चुअली नहीं होते, ऋतिक रोशन जैसे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, टॉल होते हैं, बड़ी कमाल की बॉडी होती है उनकी, बट उनकी जो बातचीत होती है बड़ी नॉर्मल सी होती है। तो मैं थोड़ा सा एक दो सवाल पूछूंगा ऋतिक से, हो सकता है वो भी मुझसे कुछ पूछे, और हम आपको बताएंगे कि कैसे सुपर हीरो मिलते हैं। जैसे दो सुपर हीरो मिले कहीं पर एक छत के ऊपर जो 500 फीट दूर है ऊपर, ऐसे खड़े में अपने टाइट कपड़ों के अंदर, और भाई क्रिश व्हाट्स अप जीवन, बुलडोजर लेता हूँ, एक हाथ में एक बिल्डिंग लेता हूँ, बैठ के मारता रहता हूँ यार। वैसे जीवन क्रिश तू भी लेजी हो गया, अब कम वर्कआउट कर रहा है तो मैं नोट कर रहा हूँ आजकल यार, ऑफ सीजन है। I understand. क्रिश को फ्लाई करने में थोड़ा टाइम है तो बिल्डिंग अप स्टोरी। लेकिन जीवन आपकी बॉडी भी कमाल हो गई यार, तुम क्या करते हो? कुछ नहीं यार, आजकल तो वक्त ही नहीं मिलता है। मैं क्या करता हूँ, लोकल ट्रेन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके ऊपर भागता रहता हूँ बस थोड़ा सा। क्या बात है, ऐसा ही कुछ 8-9 घंटा डिगी 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 आराम से। हाँ, आई शुड ट्राई दैट। बट यार एक बात बता क्रिश, तू बड़ा ही फ्रेश लग रहा है यार, एकदम है एकदम फ्रेश और चिकना सा लग रहा है। मैं हो रहा था लिटिल बोर तो सोचा कि मैं चांद की थोड़ी सहर। Oh, you went for a holiday? So I went for a walk to the moon. क्या बात है? चांद पे चला गया तू? चांद पे जाके आ गया। कमाल है यार। अरे बात बता। का राज, freshness का राज। हाँ एकदम। चांद पे walk। चांद पे एकदम चांदनी मन के आ रहा था वहाँ से एकदम। मुझे एक बात बता। वहाँ पे तूने Eiffel Tower देखा? मैंने क्या किया? पेरिस में गया था मैं दोस्तों। मैं पेरिस के अंदर गया हुआ था तो बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल फ्रांस के अंदर। तो वहाँ के लोग कहने लगे बड़ी ट्रैफिक है, बड़ी ट्रैफिक है, वो ले वो खुश है। I told them, फिकर मत करो यार, ये Eiffel Tower जो ना सड़क के बीच में क्यों लगाया हुआ है, मैंने उठाया उखाड़ा और सीधे जाके चांद के ऊपर गाड़ दिया। देखा तूने बात कर रहा है यार, ये वुले वू की प्रॉब्लम थी, I didn't know that यार। मैं सोचा कि किसी विलन का काम था, मैंने वहां से उखाड़ के वापस पेरिस में रख दिया। अबे अरे यार पहले बता था, I'm so sorry। ना जी वन, I'm so sorry यार। नहीं फिकर मत कर, मैं कर दूंगा, मैं कहीं और ले जाऊंगा उसको यार।